हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। ई एडिफिकेशन के माध्यम से ये पॉलिटी का फोर्थ वीडियो है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसमें मैंने बेसिक से डिस्कस किया है पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। और हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट का जो पीरियड रहा है वो 1773 से लेके 1950 तक का हमने कंसिडर किया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। कंपनी रूल, कंपनी शासन का जो टेन्योर है वो 1773 से 1858 तक है, और क्राउन रूल जो है 1858 से 1947 तक है। तो हमने थर्ड वीडियो में कंपनी रूल के बारे में डिस्कस किया है, और ये जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे, और हम क्राउन रूल राज शासन के बारे में बताएंगे जो कि 1858 से लेकर 1947 तक का रहा है। इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1919 के बारे में बताएंगे। फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो संविधान का जो 80% पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके बाद हम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में बताएंगे, और लास्ट में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि विधानसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो टॉपिक है, जिसमें हम ये सारी टॉपिक जो मैंने लिखा है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम क्राउन रूल को स्टार्ट करते हैं कि क्राउन रूल का 1858 से 1947 का जो पीरियड था उसमें क्या क्या अधिनियम, क्या क्या एक्ट जो है लागू हुए और कैसे प्रोग्रेस हुआ। तो क्राउन रूल 1858 से 1947, इसके में हम बताना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था, इसके नाम से ये प्रसिद्ध है। और इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही के हस्तांतरित कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसको हम समराइज करें तो हम बोल सकते हैं कि दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज क्या, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटिनी, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। द एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। इसके बारे में बताया था कि क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। अब इस एक्ट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण जो इसमें काम किया गया, उसकी कुछ विशेषताएं मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जैसे इसके जो 1858 का इंडियन एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, अधिनियम था, उसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह वायसराय जो था भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। दूसरा है कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन के द्वैत प्रणाली भी समाप्त कर दी। इसके बाद एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, जिसमें भारत शासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव जो था सेक्रेटरी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत की सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। और पांचवा मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इस कानून के तहत भारत सचिव का परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिससे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ऐसे हम कह सकते हैं कि 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित जो शासन प्रणाली थी
उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो ये मुख्य जो पॉइंट्स है 1858 का, तो आइए हम और भी देखते हैं कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, इसने क्या किया, एबोलिश ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू द ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया को चला गया पावर। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना देगा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1860 में फर्स्ट इंडियन बजट बाय जेम्स विल्सन, जो इंडिया का पहला बजट था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग को बोलते हैं, क्योंकि वो क्या थे, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसमें क्या हुआ कि इंडियन पेनल कोड इन इंडिया में आया। उसके बाद ऑर्डिनेंस का पावर था किसको चला गया, वाइस रॉय को चला गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया को क्या हो गया, अध्यादेश का पावर उसके पास चला गया। 1862 में थ्री हाई कोर्ट इन इंडिया, कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे। 1862 में क्या हो गया, तीन हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में। उसे मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, बंगाल में बना था। 1825-85 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस बाई एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई, इसको हम बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो दादा भाई नौरोजी ने बताया इसको। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, बंकिम चंद बनर्जी थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का है। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के क्या क्या मोर मेन पॉइंट्स हैं। इसमें क्या, वर्ड इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, निर्वाचन का जो ये पहला जो ये वर्ड है कि का भी इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। बजट डिबेट राइट इंडिया को दिया गया। इंक्रीमेंट ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 60 बढ़ा दिए गए। उसके बाद इन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल बाई वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जो लॉर्ड कर्जन थे उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। उसके बाद 1906 मुस्लिम लीग फॉर्मेशन बाई आगा खान इन ढाका, ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई किसके द्वारा, आगा खान के द्वारा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइस राय थे, इसलिए 1909 के अधिनियम को क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार ही बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, मॉर्ले थे, और वाइस राय उस समय कौन थे, मिंटो थे। तो इसमें अब इसके जो काउंसिल एक्ट 1909 के जो पॉइंट्स हैं, इसमें क्या है, इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई, प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना इत्यादि है। अब इसमें स्पेशल राइट फॉर मुस्लिम फॉर वोटिंग, जो मुस्लिम को स्पेशल राइट फॉर वोटिंग मिला किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था, इसका मॉन्टेगु क्या है, जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम ब्रिटिश, पहले क्या होता था कि पहले आता था सैलरी ब्रिटिश ऑफिसर को ब्रिटिश से, बाद में चेंज हो गया था, फिर इनका क्या हो गया कि सैलरी जो इनको मिलेगा ब्रिटिश ऑफिसर कहाँ से मिलेगा, इंग्लैंड के द्वारा दिया जाएगा। डुअल गवर्नेंस इन स्टेट 1919 से 1935 तक क्या हुआ, डुअल गवर्नेंस स्टेट में हो गया। और 1928 में कांग्रेस जो था वो दो भागों में बट गया, ओल्ड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस। ओल्ड कांग्रेस जो था उसके हेड थे कौन, मोतीलाल नेहरू, और यूथ कांग्रेस के हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1919 एक्ट के।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। मैंने पहले भी बताया है कि इस अधिनियम को हमें ध्यान से पढ़ना है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस आगे भी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें 80% जो बातें या जो रूल्स रेगुलेशन जो लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। इसमें आइए हम देखते हैं क्या था। द एक्ट मार्क सेकेंड माइल स्टोन टुवार्ड्स ए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इट वॉज ए लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल। क्या था, 321 सेक्शन था और 10 शेड्यूल्स थे इसमें। उसके बाद इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट एज न्यू यूनिट्स। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, फेडरलिस्ट, प्रोविंशियलिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कहा जाता है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि ऐसे ही क्योंकि देशी रियासतों ने इसके इसमें मामले शामिल होने से इनकार कर दिया। उसको देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें मैंने पहले बताया 80% कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कहाँ से हुआ है, इंडिया एक्ट 1935 से। नो फाइस में फंडामेंटल राइट नहीं था, ड्यूअल गवर्नमेंट इन सेंटर सेंट्रल में क्या ड्यूअल गवर्नमेंट था। और सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ कब, 1937 में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था 1937 में कहाँ चला गया, दिल्ली में चला गया। 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ, आरबीआई का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर इन 1937 बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। 1937 में क्या था, बर्मा जो था भारत का अंग था, वो इससे अलग हो गया, सेपरेट हो गया। उसके बाद आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट। उसके बाद हम आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है अधिनियम, वो 1947 का, ये क्या बताता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या है कि देखिए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन ने विभाजित की योजना पेश की, जिसे माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय संविधान बनाकर उसे लागू कर दिया गया। तो क्या है, मैंने बताया कि क्या हुआ 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ। उसके बाद जो इसके जो पॉइंट्स है, जो मेजर पॉइंट्स हैं 1947 अधिनियम के, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो मुख्य पॉइंट्स है, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार रीडिंग करके इसके जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। ऐसे में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, ताकि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947 से। इसके बाद इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन और संपूर्ण राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जैसे इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभा शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही हमारा देश आजाद भी हो गया था। तो ये है पॉइंट्स जो क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के हैं, जो इसको आप एक बार देख सकते हैं। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। और
it was in 1934 that the idea of constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer communist movement in India. 1934 में जो है ये इसका प्रस्ताव जो है फॉरवर्ड किया है किसके द्वारा, M.N. Roy के द्वारा. 1935 द इंडियन काउंसिल एक्ट वाज द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया. इसने 1935 से पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया गया कि भाई एक भारत का संविधान होना चाहिए. और इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाई ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी. नेहरू जी ने भी इसका डिमांड किया 1938 में. उसके बाद डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इट नोन एज द अगस्त ऑफर. 1940 में इसको एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. उसके बाद ये जो पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूएट इन नवंबर 1946 में अंडर विधानसभा का गठन हुआ अंडर द स्कीम ऑफ फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा इसको गठन किया गया, जिसके ये कुछ पॉइंट्स हैं. मैं आगे इसको समराइज कर दूंगा, ऐसे आप इस पर एक बार इसको पढ़ लीजिए और इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग, उसको आप सॉल्व कर सकें. अब देखिए हम यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा. जैसे 1895 में वर्बल डिमांड किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने. देखिए यहाँ पर आप कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है. 1895 में वर्बल डिमांड किसके द्वारा हुआ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा. और 1934 में M.N. Roy ऑफिशियल डिमांड किए, ठीक है. और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑफिशियल डिमांड किया. और सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइमिंग जो था क्या था, 1939 से लेके 1940 तक ये चल रहा था. उसके बाद क्या हुआ, उसमें इंग्लैंड की हालत खराब हो गई थी, उसके बाद उनके पास मजबूरी था, तो उन्होंने क्या किया 1940 में फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1940 में उन्होंने पहला डिमांड एक्सेप्ट किया. 1940 में अगस्त ऑफर था और 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, 1940 में. और फर्स्ट विनोबा भावे, सेकेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. उसके बाद 1942 में क्रिस्प मिशन हुआ. उसके बाद 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. ये सब डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट हुआ, कैसे बना. और 24 अक्टूबर 1945 का यूएनए का गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है. उसके बाद फिर मैं बताना चाहूंगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसके मेंबर कौन कौन थे, एलेक्जेंडर क्रिप्स और पेंथी लॉरेंस. ये तीन मेंबर कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा आए. 1 जुलाई 1946 को फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. 1 जुलाई 1946 को पहला इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. उसके बाद टोटल जो मेंबर थे कितना थे, 389 थे. उसमें से 290 मेंबर जो थे ब्रिटिश प्रोविंस के थे और 93 जो थे कि इंडियन प्रोविंस के थे और 4 जो थे ब्रिटिश कमीशन के ये थे मेंबर. तो ये कितना हो गया, 292 प्लस 93 प्लस 0 पर कितना हो गया, 389. और इलेक्शन जो हुआ वो 296 मेंबर का हुआ, जिसमें जो रिजल्ट आया उसमें 208 लोग क्या हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जीत गए, 73 मुस्लिम लीग के और 15 जो थे अदर्स थे. अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग का जो सीट था कितना था, 73 ही मिला, 208 मिल गया. तो अभी इनको तो लग गया मुस्लिम लीग वाले को कि मुझे तो सत्ता मिलेगी नहीं, हमारा वर्चस्व चलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम माइनॉरिटी में. तो अब 93 मेंबर का नॉमिनेशन हुआ और उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड रेवेल. कॉल क्या किया इन्होंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया 2 सितंबर 1946 को. फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण हुआ. देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब देखिए जो रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो रिजल्ट मैंने बताया था उसमें देखिए कौन कौन किस पार्टी का कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा है. कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, उसी तरह से कृषक प्रजा पार्टी को 1 मिला था, सिख नॉन कॉन्फ्रेंस पार्टी को 1 मिला था, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 मिला था, इंडिपेंडेंट कितना थे,
इसको निर्दलीय बोलते हैं, वो कितने जीते थे 18। तो इस तरह से 296 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 को, उसका ये रिजल्ट है। उसके बाद सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द ग्लादर, जो फर्स्ट सेशन कब हुआ था, जो पहला सेशन था वो 9 दिसंबर से 1946 था, सेकंड कितना 20 से 25 जनवरी 1947 से। तो ये जो 11 सेशन है उनका डिटेल है कब कब हुआ था, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व कर सकें। फिर आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कोई चीज़ बनता है तो उसके साथ क्रिटिक्स भी साथ में आना स्वाभाविक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके क्या क्या दोष हैं जो पॉइंट आउट किया गया है लोगों के द्वारा, उसमें पहला है कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्या है, द क्रिटिक हैव दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एज इट्स मेंबर वे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल रिजल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। सेकेंड क्या है, नॉट ए सोवरेन बॉडी, सोवरेन बॉडी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरेन बॉडी एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। उसी तरह से टाइम कंज्यूमिंग था अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत समय लगा कांग्रेस को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बनाने में, संविधान बनाने में। ये डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा डोमिनेंस जो था, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें ज़्यादा डोमिनेंस था। उसके बाद लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन था इसमें। उसके बाद सेकेंड लास्ट है क्या, डोमिनेटेड बाई हिंदू, ये बोला जाता है कि हिंदू का डोमिनेशन भी इसमें था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित करने में। अब आइए हम समराइज करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को, जिसमें हमने बताया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को कंटिन्यू किया कहाँ से, द क्राउन रूल 1858 से 1947 के बारे में बताया। और इसके अधीन हमने चर्चा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का क्या है, कि सिपाही विद्रोह के बाद जो एक्ट आया उसमें क्या क्या था। उसके बाद हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 और 1919 के बारे में चर्चा किया, इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स को डिटेल में बताया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ऊपर मैंने प्रकाश डाली कि क्या है, और क्योंकि इसके जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके 80% जो इसी एक्ट से अडॉप्ट किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में बताया, ये क्या इसके हाईलाइट्स थे, क्या क्या पॉइंट्स थे। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे और आपको नॉलेज को बढ़ाने में मदद करे। और इसमें आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन के फॉर्म में मुझे पुट कीजिए, मैं इसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।